ईरान में पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल 13 सितंबर को हिजाब पहनने के कानून का उल्लंघन करने पर ईरान में 22 वर्षीय महसा अमीनी को हिरासत में लिया गया था। इसके 3 दिन बाद कथित तौर पर महसा की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस घटना के बाद से ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ईरान मानवाधिकार संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सुरक्षा बलों ने 75 प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी है। इस बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद कुरैशी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि डांस कर रहा यह शख्स महसा अमीनी का पिता है। एक और यूजर ने ये वीडियो ईरान में हाल में चल रहे प्रदर्शन से जोड़कर शेयर किया। कई देशों में ये वीडियो वायरल है, वहीं इसे शेयर करने वाले लोगों की लिस्ट में मशहूर फिक्शन राइटर J.K. रॉलिंग भी शामिल है। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज़ ने जांच की तो पाया कि ये वीडियो ईरान में हाल में चल रहे विरोध प्रदर्शन का नहीं है। कीवर्ड सर्च करने पर ऑल्ट न्यूज़ को ईरान की सरकारी न्यूज़ चैनल प्रेस टीवी का ये ट्वीट मिला। चैनल ने वायरल दावे को खारिज करते हुए बताया कि ये वीडियो एक तुर्की ड्रामा का हिस्सा है। आगे छानबीन करते हुए हमने पाया कि ये एक तुर्की ड्रामा के 78वें एपिसोड का सीन है। 9 जनवरी 2018 को ये वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया था। तो जैसा कि आपने देखा, ये वीडियो एक नाटक का हिस्सा है, न कि असली घटना का, और इसे ईरान के हालिया प्रदर्शन से जोड़कर शेयर किया जा रहा है।